गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। गुजरात दौरे पर रवाना होने से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात दौरे पर जाने से पहले एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी जी, गुजरात की जनता जानना चाहती है कि आपने जो वादे किए थे वो कब पूरे करेंगे। राहुल आए दिन पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट करते रहते हैं। इसी को लेकर अब पार्टी की ओर से यह रणनीति तैयार की गई है कि गुजरात चुनाव तक राहुल रोज सुबह पीएम मोदी से एक सवाल पूछेंगे। राहुल आज ही गुजरात में कांग्रेस के प्रचार के लिए दो दिवसीय दौरे पर रवाना होने वाले हैं। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए पूछा कि 22 सालों का हिसाब गुजरात मांगे जवाब। गुजरात के हालात पर प्रधानमंत्री से पहला सवाल, 2012 में वादा किया कि 50 लाख नए घर देंगे, 5 साल में बनाए 4.72 लाख घर। प्रधानमंत्री जी बताइए कि क्या ये वादा पूरा होने में 45 साल और लगेंगे। राहुल गांधी पिछले चुनाव में बीजेपी की ओर से किए गए चुनावी वादों की याद दिला रहे हैं। कांग्रेस ने कई रणनीति बनाई है कि गुजरात में चुनाव के आखिर तक राहुल गांधी रोज प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल पूछेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के चुनाव में पूरा जोर लगा दिया है। अब ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि लगातार हमले करके बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए। इसी रणनीति के तहत वह सीधा हमला बीजेपी पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर कर रहे हैं।